नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में देखेंगे, प्रेगनेंसी के कुछ लक्षण। जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको क्या लक्षण दिखता है, उनके शरीर में ऐसे क्या बदलाव दिखता है जिससे वो इजिली पहचान सकते हैं कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। आइए आज हम इन सारे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला लक्षण, मिस्ड पीरियड। जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहला लक्षण ये दिखता है कि उनका पीरियड मिस हो जाता है। रेगुलर पीरियड होता है 28 दिन के साइकिल में, 28 दिन के इंटरवल में पीरियड आता है। कई बार 4 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, 4 दिन बाद आता है या 4 दिन पहले आता है। लेकिन अगर 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक भी अगर पीरियड नहीं आए हैं, पीरियड मिस हो गया है, तो आपको तुरंत चेकअप करना चाहिए। प्रेगनेंसी किट, प्रेगन यूज हो गया और वैराइटीज ऑफ प्रेगनेंसी किट होता है जो मार्केट में इजली अवेलेबल हो जाता है, तो आप उससे एक बार चेक करेंगे। चेक करने के बाद कन्फर्मेशन कर सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कन्फर्म है या नहीं। दूसरी बात, दूसरा लक्षण है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपका मूड में बहुत बदलाव आता है। आपका जो स्वभाव है, व्यवहार है, छोटी छोटी बातों में आपको चिड़चिड़ापन आएगा, आपको गुस्सा आएगा, आपको इरिटेशन लगेगा। अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो आप जल्दी से उस पर चिढ़ जाएंगे। ऐसे सारे लक्षण देखने को मिलता है, अचानक अचानक मूड का स्विंग होना, कभी बहुत ज़्यादा खुश होना, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, कभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना, ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, तो ये भी एक लक्षण है प्रेगनेंसी होने का। तीसरी बात, आप बहुत जल्दी थक जाओगे, आप बहुत जल्दी थकान महसूस करोगे, फटीग और बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगा। और दूसरी बात, आप दिन भर स्लीपी ऐसा लगेगा मैं सो जाऊं। थकान इसलिए लगता है क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है और वो ग्रोथ करता है, बच्चा बड़ा होता है, तो हमारी जितनी भी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हमारी जो खून होती है हमारे बच्चे को मिलती है, तो हमारे शरीर में खून जितना भी जाता है वो बच्चे को जाता है, तो हमारे शरीर में थोड़ी सी खून की कमी होने लगती है। तो खून की कमी होने का सबसे पहले लक्षण होता है कि आपको थकान दिखता है, तो वो आपका बॉडी बहुत ज़्यादा थका फील करेगा, सुस्त फील करेगा, ऐसा लगेगा दिन भर सोऊं ऐसा फील करेगा। थोड़ा सा भी काम करोगे तो ऐसा फील होगा मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं रेस्ट करूँ ऐसा फील होगा। और मॉर्निंग सिकनेस होगा सबसे ज़्यादा। मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं कि सुबह सुबह बिस्तर से उठने का मन नहीं करना, भले सुबह के 9 क्यों ना बज गया हो लेकिन आपको बिस्तर से उठने का मन नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा सुस्तीपन, सबसे ज़्यादा थकान सुबह सुबह फील होगा, तो ये भी एक लक्षण है प्रेगनेंसी होने का। उसके बाद आपके जो वजाइना हैं, कभी कभी आपके वजाइना से थोड़ा बहुत म्यूकस डिस्चार्ज होगा, वजाइनल डिस्चार्ज मतलब थोड़ा बहुत चिपचिपा बाहर, पानी जैसा बाहर निकलेगा, वाइट कलर का रहेगा, मिल्की कलर का रहेगा, लेकिन उसमें से ना कोई स्मेल आएगा, ना कोई आपको वजाइना में इरिटेशन होगा, ना ही आपके वजाइना में कहीं कुछ खुजली होगी या घाव बनेगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, ना ही गंदी स्मेल आएगी, तब आपका ये नॉर्मल डिस्चार्ज है। लेकिन कई बार प्रेगनेंसी में वजाइनल डिस्चार्ज से स्मेल आने लग जाती है गंदी सी, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है वजाइना में, खुजली होने लग जाता है, तो ये सारे लक्षण ना ल्यूकोरिया के होते हैं। तो अगर आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं जिसमें आपके वजाइना में खुजली हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, चिपचिपा गाढ़ा, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन स्टार्ट करना चाहिए, नहीं तो बाकी चीज़ ये नॉर्मल है। उसके बाद आपको उल्टी होगा सुबह सुबह या दिन में, कुछ भी आप खाएंगी, खट्टा हो, मीठा हो, जो भी आप खाते हैं आपको उल्टी होगा। उल्टी इसलिए होगा क्योंकि जो बच्चा जब ग्रोथ करता है और जो प्लाजेंटा बोलते हैं, प्लाजेंटा का बनना जब स्टार्ट होता है, तो प्लाजेंटा बनता है तो आपका बीटा HCG हार्मोन सिक्रीट करता है, तो बीटा HCG हार्मोन के बढ़े हुए लेवल की वजह से आपको नौजिया और वॉमिटिंग मतलब उल्टी आती है, किसी खाने को देखते ही उल्टी आती है, खाना का स्मेल मुंह के अंदर गया तो आपको वोमिटिंग आएगी, नाक के अंदर गया तो वोमिटिंग आएगी, तो ये सारे कुछ हरकतें प्रेगनेंसी में होती है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज की बीमारी। कब्ज की बीमारी हमेशा ऐसा होता है प्रेग्नेंट लेडी को कि कब्ज की बीमारी देखने को मिलता ही मिलता है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहते हैं वो आपके जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत की लाइनिंग है उसको रिलैक्स कर देता है, उसकी मसल्स को रिलैक्स कर देता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के ज़्यादा सिक्रीट होने की वजह से आपके जो बड़ी आंत है जहाँ से आपका मल त्याग होता है उसकी जो लाइनिंग है वो रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन,
कब्ज की बीमारी बनी रहती है। उसके बाद है आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर, प्रेगनेंसी के समय, प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले की बात है कि जब आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर मतलब जब आपका ओव्यूलेशन होता है, जब आपके अंडे बन करके के बच्चे दाने से बाहर निकलते हैं, उस समय आपका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज रहता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज रहता है। तो ये भी माना जाता है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले आप अगर आप देख सकते हैं कि आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज है, तो आपको उस समय कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करके, आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो ना लें, अगर चाहते हैं तो हो जाएगा, लेकिन आपको बेसल बॉडी टेम्परेचर उस समय इंक्रीज पाया जाता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के जस्ट पहले। उसके बाद है आपको किसी भी चीज़ का स्मेल, बदबू आएगी, आप किसी चीज़ को खाओगे तो आपको मुँह में स्वाद नहीं आएगा। कई लोगों को लहसुन की खुशबू पसंद नहीं रहती प्रेगनेंसी में, कई लोगों को प्याज की, कई लोगों को तेल की, कई लोगों को फ्राइड चीज़ें की स्मेल नहीं पसंद रहती है, वो थोड़ा सा भी नाक में जाता है तो वो वॉमिटिंग करने लग जाते हैं, उनको पूरा नॉजिएटेड फील होता है, वॉमिटिंग करूँ ऐसा फील होता है। कई बार मुंह में खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है, खाने की इच्छा नहीं होती, कुछ भी खाना ला के रख दो वो बिल्कुल खाएंगे नहीं। कई बार तो 3 महीने 4 महीने तक जो माताएं रहती वो फल या दूध इस तरह से खा करके अच्छा लगता है, उनको अनाज खाना अच्छा नहीं लगता, अनाज खाते ही उनको वॉमिटिंग सा फील होता है। तो ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी में। उसके बाद है ब्रेस्ट में चेंजेस होगा, ब्रेस्ट के शेप और साइज इंक्रीज होंगे, जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाएगी, 9वां महीना तक आते जाएगा, वैसे वैसे ब्रेस्ट के शेप इंक्रीज होंगे, ब्रेस्ट में जो निपल्स होते हैं उसके शेप इंक्रीज होंगे, ब्रेस्ट हैवी फील होगा, कभी कभी ब्रेस्ट में ऐसा लगेगा कुछ ऐसा अंदर कुछ चल रहा है ऐसा फील होगा, टिंगलिंग सेंसेशन होगा, क्योंकि उस समय माताएं के जो ब्रेस्ट होते हैं उनमें मिल्क बनना शुरू हो जाता है। कई बार कुछ महीने के इंटरवल में, 16 हफ्ते के बीच में वो थोड़ा बहुत चिपचिपा सा निपल से बाहर निकलेगा, वो थोड़ा बहुत मिल्क बाहर आता है, तो वो भी एक लक्षण है। और साथ में एरियोला होता है, एरियोला के सराउंडिंग में मतलब जो निपल के अंदर में जो एरियोला रहता है उसके आसपास छोटे 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 गांठ के जैसे दिखते हैं, तो मोंटोगोमरी ट्यूबरकल्स के साइन है ये सब। तो ये सारे ब्रेस्ट में चेंजेस होते हैं महिलाओं के। उसके बाद है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, जब बच्चा कंसीव होने रहता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के पहले सिम्टम्स है ये, तो 6वें से लेके 12वें दिन के अंदर में जब बच्चा आपके फर्टिलाइजेशन हो करके आपके ट्रस के लाइनिंग में आता है, एंडोमेट्रियम लेयर में आता है, उस समय थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है, क्योंकि वो बच्चा अपना जगह बना रहा है वहाँ पर फिट होने के लिए, वहाँ पर वो ग्रोथ होगा उसका 9 महीने तक के, तो बच्चा वह थोड़ा सा जगह बनाता है बच्चेदानी में, तो जगह बनाने के समय में उसको थोड़ा सा महिलाओं को ब्लीडिंग होता है। तो ये ब्लीडिंग जैसे कि आपने कंसीव किया है, तो कंसीव करते हो तो नेक्स्ट मंथ जब आपका पीरियड आने वाला है, आपको पता नहीं कि आप प्रेग्नेंट हो, तो पीरियड आने वाला है उसके आसपास 1-2 दिन पहले ही ये ब्लीडिंग होता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार ये पीरियड का भी स्पॉटिंग हो सकता है, नहीं कई बार ये इम्प्लांटेशन का स्पॉटिंग हो सकता है, तो उस ड्यूरेशन में आप चेक करेंगे और आप कंसीव कर चुके हैं, आपको पता चल जाएगा प्रेग्नेंट हैं, तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि आप प्रेगनेंसी का ही ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, तो इसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं, जो कि बच्चादानी में बच्चा ठहरता है उस समय की ब्लीडिंग होती है। उसके बाद है बार बार यूरिन होना, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, ये जो लक्षण है वो पहले 3 महीने में तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं, यूरिन बार बार पास आउट करेगी महिला, थोड़ी देर में हर आधे घंटे में उनको यूरिन जाना रहेगा, क्योंकि जब बच्चा ग्रो करता है, बढ़ता है बच्चा, तो उसका जो प्रेशर रहता है वो हमारे किडनी की तरफ जाता है, क्योंकि किडनी के आगे की तरफ बच्चा दानी है, तो जब बच्चा दानी में बच्चा बढ़ेगा तो किडनी में प्रेशर आएगा, प्रेशर की वजह से उसको बार बार उसके जो ब्लैडर है, मूत्र की थैली, वो ब्लैडर में प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से उसको थोड़ी थोड़ी देर में यूरिन पास आउट करने की इच्छा होगी और यूरिन पास आउट करती भी है। तो ये भी एक लक्षण है कि अगर आपको बार बार यूरिन आ रहा है, वो भी एक रीजन है आपका प्रेगनेंसी होने का। उसके बाद है प्रेगनेंसी में अक्सर महिलाओं को हेडेक रहता है, क्योंकि हेडेक इससे रहता है क्योंकि नींद कंप्लीट नहीं हो पाता है, सोने की कोशिश तो करती पर सो नहीं पाती हैं, कई बार
पानी ढंग से नहीं पी पाती, खाना अच्छे से नहीं खाते, जिससे उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। और जहाँ भी ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारा ब्रेन को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमको हेडेक देखने को मिलता है, ये भी एक रीज़न है। उसके बाद वर्टिगो, चक्कर आता है क्योंकि डाइट इम्प्रॉपर रहता है, वाटर इंटेक सही से नहीं रहता, रेस्ट नहीं कर पाती, तो उनको चक्कर आता है बार बार। उसके बाद है बैकेक होना, क्योंकि कंटिन्यू अगर वो काम कर रही हैं, कई बार जो महिलाएं होती हैं वो उनको बहुत काम करना पड़ता है, गांव की जो महिलाएं होती हैं स्पेशली उनको काम करना पड़ता है, उनको रेस्ट नहीं मिल पाता है, खड़े खड़े लंबे समय के लिए अगर वो काम कर रही हैं तो उनके पूरे कमर में दर्द भर जाता है, कमर का दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी एक रीज़न है। और सांस फूलने लगना, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे महिलाओं को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब वो प्रॉपर तरीके से सांस उनके फेफड़ों में नहीं भर पाता, क्योंकि जो बच्चा बहुत हैवी होता है और ऊपर की तरफ पेट के ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट होता है, उस समय उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हमेशा रहती है, वो जल्दी थक जाती हैं क्योंकि खून की भी कमी रहती है जिसके वजह से भी, और जल्दी थकान लगता है इसके वजह से भी उनके सांस फूलने लग जाती है। ये सारे लक्षण जो है वो गर्भवती महिलाओं में देखने को मिलता है। अगर वो पहली बार गर्भवती है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो ये सारे लक्षण को देख करके जान सकती हैं कि वो गर्भवती हो चुकी हैं। आज के टॉपिक में हमने डिटेल में देखा कि गर्भवती महिलाओं के क्या क्या लक्षण होते हैं, चाहे वो पहली बार गर्भवती हो या दूसरी या तीसरी बार गर्भवती हो, ये डिपेंड करता है। दूसरे तीसरे बार में थोड़ा बहुत कुछ कुछ लक्षण में ऊपर नीचे हो सकता है, बट पहली बार गर्भवती होने पे ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच।